फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के कुछ मछुआरों से होती है जिन्हें नदी में बहता हुआ एक बैग मिलता है जिसे वो खोलकर देखने लगते हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहां न्यूज में एक खबर चल रही होती है कि अफ्रीका में मोकेले नाम के जानवरों को देखा गया है जो डायनासोर के समय ही विलुप्त हो गए थे, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसकी जांच करने के लिए कुछ खोजकर्ता की टीम को भेजा जा रहा है ताकि वो इसकी तह तक जा सके, और इस टीम को जोनाथन लीड करेंगे जो एक साइंटिस्ट भी है। अब हम जोनाथन के बेटे लूक को देखते हैं जिसे वीडियो बनाने का काफी शौक होता है, और तभी वहाँ जोनाथन आ जाता है जो अफ्रीका जाने की प्लानिंग कर रहा था। लूक भी उनके साथ अफ्रीका जाने की जिद करने लगता है, जिस पर जोनाथन कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पर तुम वहाँ हमारे रिश्तेदार के यहाँ रहोगे और हमारे साथ एक्सपीडिशन में नहीं जाओगे, जिसे सुनकर लूक उदास हो जाता है पर फिर भी उनकी शर्त मान लेता है। अब अगले दिन सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जहां उन्हें टीम की एक और मेंबर लीज मिलती है जो एक मेडिकल स्टूडेंट है, जिसके बाद सभी अफ्रीका पहुंच जाते हैं जहां जोनाथन लूक को एक होटल के कमरे में रुका कर कहता है कि कुछ ही समय में तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें लेने आएंगे, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, और इतना कहने के बाद जोनाथन हेलीकॉप्टर के पास आ जाता है। वहीं उन्होंने एक लोकल जूलॉजिस्ट अमेरा को भी हायर किया होता है, और इसके अलावा जोनाथन की टीम में उसका दोस्त चार्ली और दो कैमरामैन पीट और डीप भी होते हैं। अब सभी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। वहीं लूक भी चालाकी से हेलीकॉप्टर के एक छोटे कंपार्टमेंट में चिपकर बैठा होता है, पर तभी उसे कोई चीज नीचे गिर जाती है जिसकी शोर को जोनाथन और बाकी सुन लेते हैं। इसलिए जोनाथन उस कंपार्टमेंट को खोलकर लूक को बाहर निकालते हैं और उसे इस हरकत के लिए बहुत डांटते हैं, पर चार्ली जोनाथन को शांत करवा देता है। लेकिन फिर जोनाथन पायलट से कहकर हेलीकॉप्टर को वापस होटल की तरफ ले जाने कहता है, पर पायलट मना कर देता है क्योंकि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम वापस जाकर फिर से जंगल में आए। इसलिए जोनाथन के पास कोई रास्ता ना होने पर मजबूरन उसे लूक को भी अपने साथ लेना पड़ता है। अब थोड़ी दूर आने के बाद उनके हेलीकॉप्टर पर टेरासोरस जो उड़ने वाले डायनासोर होते हैं वो हजारों की तादाद में हमला करने के लिए उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और तब तक वो कुछ सोच पाते टेरासोरस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग कर जाती है जिसमें पायलट की मृत्यु हो जाती है। अब बाकी जैसे तैसे हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं और उनके बाहर निकलते ही हेलीकॉप्टर में धमाका हो जाता है, पर भाग्य से वो सभी बच जाते हैं। अब हमारा सभी को जंगल में रहने वाले छोटे ट्राइब के पास लेकर आती है, पर दुर्भाग्य से वहाँ कोई भी नहीं होता, जो देखकर वो समझ जाती है कि इन लोगों को भी वही जंगली जानवरों ने हमला करके मार दिया होगा। लेकिन वो किसी को इसके बारे में नहीं बताती ताकि कोई डर ना जाए। अब कुछ ही समय में अंधेरा होने वाला होता है, इसलिए सभी एक घर के अंदर रात गुजारने का तय करते हैं, और लू घर के बाहर एक नाइट विजन कैमरा लगा देता है। अब घर के अंदर सभी अपना सामान चेक करते हैं जिसकी मदद से वो मदद बुला सके, पर दुर्भाग्य से क्रैश लैंडिंग में उनके सारे कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो चुके होते हैं। बस एक सैटेलाइट फोन ही हल्का सा डैमेज होता है जिसे ठीक करने का काम लूक को दे दिया जाता है। अब रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो लूक को नाइट विजन कैमरा से पता चलता है कि उनके घर के बाहर टेरासोरस आ चुके हैं, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं, और तभी वो टेरासोरस घर पर हमला कर देते हैं जिससे बचकर सभी वहां से भागने लगते हैं, पर दुर्भाग्य से टेरासोरस लिस पर हमला करके उसे मार देते हैं, और वहीं बाकी सभी नाव पर सवार होकर नदी में उतर जाते हैं जहां टेरासोरस किनारे पर खड़े उन्हें देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो नदी में दूर निकल आते हैं। अब अगले दिन भी जब वो नाव पर ही होते हैं कि तभी उन्हें नदी के नीचे से किसी अजीब और डरावने क्रीचर के होने का आभास होता है, और फिर तभी वो क्रीचर उनके नाव पर हमला भी कर देता है, पर भाग्य से वो सभी बचकर किनारे तक पहुंच जाते हैं, पर उनकी नाव अब खराब हो जाने के कारण वो आज का दिन भी नदी के किनारे गुजारने का तय करते हैं। इसलिए वो सभी वहाँ एक कैंप लगाते हैं।
अब रात को सभी कैंप फायर लगाकर बैठे होते हैं तो हमारा सभी को इस जंगल की कहानी सुनाती है कि ये जंगल दो हिस्सों में बटा है, एक में इंसान जा सकते हैं पर दूसरे में नहीं। लेकिन जिसने भी दूसरे हिस्से में जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई जानवर है जो लोगों को दूसरे हिस्से में ले जाता है जहां उन जानवरों की कॉलोनी है। उन सभी की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ डिलोफोसॉरस नाम की प्रजाति का एक छोटा डायनासोर आ जाता है, जिसे देख उन्हें इस बात पर विश्वास हो जाता है कि इस जंगल में डायनासोर्स हैं। वहीं लूक को डिलोफोसॉरस काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो उसका नाम क्रिप्टो रख देता है और उसे खाने के लिए कुछ चॉकलेट भी देता है जिसे वो अच्छे से खा लेता है। पर अंत में क्रिप्टो उसकी मुंह पर थूक कर वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन क्रिप्टो फिर से लूक के ही पास आता है, मानो वो लूक को पसंद करता हो, इसलिए लूक उसके गले में कैमरा लगा देता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। जिसके बाद क्रिप्टो नदी में अपने साथियों के साथ तैरते हुए वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद सभी उसके गले में लगे कैमरा की वीडियो देखने लगते हैं। वहीं क्रिप्टो नदी में तैरते वो गुफा के अंदर चला जाता है, जिससे कैमरा का सिग्नल कमजोर हो जाता है और सिग्नल कमजोर होने के कारण वीडियो बंद हो जाती है। जिस पर फिर अमेरा कहती कि हमें अब बहुत खतरा है, क्रिप्टो तो सिर्फ बच्चा था, हो सकता है कि बड़े डिलोफोसॉरस भी यहाँ आ जाए, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलकर किसी बस्ती की तलाश करनी चाहिए। लेकिन चार्ली कहता है कि हमें उस गुफा के अंदर जाना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ डायनासोर की कॉलोनी हो, यदि हम उसे ढूंढने में सफल रहे तो हम दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाएंगे। पर जोनाथन किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए सभी वहां से नाव के जरिए नदी में उतर जाते हैं। अब उनके थोड़ी दूर आते ही क्रिप्टो का कैमरा फिर से चालू हो जाता है, जिसे लूक और चार्ली देखने लगते हैं। वहीं क्रिप्टो उस गुफा से बाहर आकर जंगल के दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहां थोड़ी दूर आने के बाद उसके गले का कैमरा निकल जाता है और तभी वहां एक बहुत ही विशाल डिलोफोसॉरस आ जाता है, जिसे देख वो सभी एकदम हैरान हो जाते हैं, जिसकी बार कैमरा भी बंद हो जाता है। अब चार्ली ये बात जोनाथन को बताने से मना कर देता है ताकि जोनाथन परेशान ना हो, जिस पर लूक मान भी जाता है। अब कुछ समय और सफर करने के बाद उनकी नाव नदी के लहरों में फंस जाती है और जिस नाव पर लूक और चार्ली होते हैं वो नाव लहरों से बहते हुए गुफा के अंदर चली जाती है। इधर जोनाथन भी लूक को ढूंढते हुए गुफा के अंदर आ जाता है और भाग्य से उसे वो मिल भी जाता है। और अब लूक को सही सलामत देख जोनाथन खुश हो जाते हैं, जिसकी बात सभी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर तभी नदी से एक मौकेले प्रजाति बाहर निकलता है, लेकिन वो आक्रामक नहीं लग रहा था, इसलिए पीट उसका वीडियो बनाने लगता है। पर तभी दूसरा मौकेले नदी से बाहर आकर उस पर हमला करके उसे निगल जाता है और इस हमले से उनकी नाव भी पलट जाती है, जिससे सभी नदी में गिर जाते हैं और वो जैसे तैसे करके सिर्फ चार्ली और लूक नदी से बाहर आ पाते हैं। लूक अब जोनाथन को बहुत आवाजें लगाता है पर कोई फायदा नहीं होता, जिस पर चार्ली कहता है कि जोनाथन और बाकी मारे गए, जो सुनकर लूक बहुत दुखी हो जाता है। पर फिर चार्ली समझाता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा, इसीलिए लूक चार्ली के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब थोड़ी दूर आने के बाद चार्ली लूक को सैटेलाइट फोन देकर कहता है कि इसे ठीक करो, तब तक मैं आगे बढ़ने का रास्ता देखता हूँ, इसलिए लूक कोशिश करके फोन ठीक कर देता है। पर तभी वहाँ चार्ली भी आ जाता है, जो लूक से कहता है कि मैंने क्रिप्टो को ढूंढ लिया जो यही पास में है, जिस पर लूक उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी धोखेबाज चार्ली लूक से फोन छीन कर उसे एक गड्ढे में ढकल देता है, जिससे लूक नीचे गिर जाता है। दरअसल चार्ली उन डायनासोर को ढूंढने का सारा क्रेडिट खुद ही लेना चाहता है। वहीं लूक गड्ढे में नीचे आने के बाद फिर से अपना वीडियो बनाने लगता है कि चार्ली ने उसके साथ क्या किया। दूसरी तरफ अमेरा, जोनाथन और डेव नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जो भाग्य से सभी जीवित थे। अमेरा कहती है कि लूक उन डायनासोर के इलाके में चला गया है जो अब तक मर चुका होगा और हमें भी जल्द से यहाँ निकल जाना चाहिए।
पर जोनाथन कहता है कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर मैं लूक को नहीं छोड़ सकता। और फिर वो डेव के साथ लूक को ढूंढने निकल जाता है। इधर लूक के पास क्रिप्टो आता है, जिसे देख लूक खुश हो जाता है। पर तभी वहाँ टेरोसॉरस आ जाते हैं, जो लूक पर हमला करने ही वाले होते हैं, कि सही समय पर डेव और जोनाथन आकर उसे बचा लेते हैं। और डेव पीड़ की मृत्यु के कारण टेरोसॉरस को मारने उनके पीछे जाता है, पर वो पीछा करते हुए उनके ही इलाके में पहुंच जाता है, जहां सभी टेरोसॉरस मिलकर उसे निगल लेते हैं। वहीं अब लूक जोनाथन को चार्ली की सच्चाई बता देता है, जिस पर जोनाथन कहता है कि हमें उससे वो फोन लेना होगा, क्योंकि हम उसी की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए अब वो दोनों चार्ली को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर चार्ली भी कैमरा पर वीडियो बना रहा होता है कि मैंने इस जंगल में डायनासोर्स के होने का सबूत ढूंढ लिया है और मैं ये वीडियो सभी को बताऊंगा, जिससे दुनिया को पता चल सके कि मैंने कितनी बड़ी खोज की है। पर तभी वहां से जोनाथन और लूक गुजरते हैं, जिन्हें छिप कर चार्ली देख लेता है और फिर उनका पीछा करने लगता है। वहीं जोनाथन और लूक एक खाई के पास आ जाते हैं, जहां से वो आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। पर तभी दुर्भाग्य से वहां लैंडस्लाइड होने लगती है, जिससे जोनाथन एक पत्थर से टकराकर खाई के नीचे लटक जाते हैं। लूक फिर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो खाई से नीचे गिरकर मारा जाता है, जिसे देख लूक एकदम दुखी हो जाता है। और ये सब काम चार्ली का होता है, क्योंकि उसी ने पत्थर गिराए थे। पर अब वो लूक के पीछे पड़ जाता है, इसलिए लूक उससे बचते हुए झाड़ियों में छिप जाता है। और तभी वहाँ क्रिप्टो आ जाता है, जो लूक के कपड़े को खींचने लगता है, मानो वो उसे अपने साथ चलने को कह रहा हो। इसलिए लूक उसके साथ चल देता है। और फिर क्रिप्टो उसे वहां लेकर आता है, जहां उसके गले में लगा हुआ कैमरा गिरा था। पर तभी वहां चार्ली भी पहुंच जाता है, लेकिन अब क्रिप्टो लूक के मुंह पर थूक कर वहां से भाग जाता है। और अब देखते ही देखते वहां कई सारे विशाल डिलोफोसॉरस आ जाते हैं, जो लूक को सुनकर उसे कुछ नहीं करते, क्योंकि क्रिप्टो ने उसके ऊपर थूक दिया था। पर वो अंत में चार्ली को निगल लेते हैं, जिसके बाद लूक वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में लूक अपना आखिरी वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो लोगों को डायनासोर की कॉलोनी दिखाकर कहता है कि डायनासोर सच में इस जगह मौजूद है, जिसे मेरे पिता जोनाथन ने ढूंढा है, लेकिन अब वो नहीं रहे और हमारे सारे टीम मेंबर्स भी मारे जा चुके हैं। मैं इस रिकॉर्ड वीडियो को बैग में डालकर नदी में बहा रहा हूँ, ताकि सभी इस खोज के बारे में जान सके। और यहाँ मेरा एक दोस्त भी बना है, जो मुझे यहाँ से निकालने का रास्ता बताएगा, पर मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगा या नहीं। जितना कहने के बाद वो रिकॉर्डेड डिस्क को थैली में डालकर बैग में डाल देता है और उस बैग को झरने में बहा देता है। और वहीं बैग नदी में बहते हुए उन मछुआरों के पास आता है, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब मूवी के आखिरी सीन में लूक की एक ब्लर रिकॉर्डेड वीडियो प्ले होती है, जिसमें वो कहता है कि ये काम कर रहा है। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है, यानी कि शायद लूक यहाँ से निकल पाया या नहीं, इसकी जानकारी हमें इसके अगले पार्ट में मिलेगी, जो होपफुली जल्दी रिलीज होगी। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।